ये है धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कभी यहाँ पर एक स्टेशन हुआ करता था, बस्तियाँ बसी हुई होती थी, पर आज ये एक वीरान जंगल की तरह यहाँ पर पड़ा है। और ये एक उसी का उदाहरण है। ये है एक चर्च, जो कि 1964 में इस सुनामी के बाद से इस जगह को तहस नहस कर दिया इस सुनामी ने 1964 की। आप देख सकते हैं चर्च, और इस चर्च को पहले यहाँ पूजा हुआ करती थी, पर आज ये एक वीरान जगह की भांति यहाँ पर है। देखिए यहाँ चर्च, और देख सकते हैं कि यहाँ कुछ रहवासियों ने अपने अपने घर थोड़े थोड़े बसाने की कोशिश की है। यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगाई हुई है, जो लोग बाहर से आते हैं और जहाँ से कुछ स्मृतियाँ ले जाना चाहते हैं उनके लिए। अब मैं आपको रेलवे स्टेशन की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पर पहले ट्रेनें आया करती थी और वहाँ पर कभी ट्रेनें रुका करती थी, पर आज वो जगह भी वीरान पड़ी हुई है। अब देखिए आप इस दृश्य को, ये चर्च का पीछे का हिस्सा है और ये धनुषकोडी गांव, ये उसी का एक अवशेष आपको और दिखाई दे रहा होगा। ये है, और ये समुद्र समुद्र एरिया, यहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें उठा करती है। और एक और यहाँ से थोड़ा दूर और हमको कुछ दिखाई दे रहा है, ये भी कुछ रहवासियों के घर थे, पर ये भी आज सब वीरान पड़े हुए हैं। समुद्र की लहरों की आवाज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप इस समुद्र की लहरों की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, अब मैं इसके ज़्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहीं पर हमारी सीमा समाप्त हो जाती है। ये देखिए, इतनी तेज आवाज लहर की, मैं आपको दिखाई दे रहा होगा। धनुषकोडी के स्थानीय लोगों की रोजी रोटी का जरिया ये है नाव। इन्हीं नावों से मछुआरे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और ये उन्हीं का एक जरिया है। और ये लहरें आप देख ही रहे हैं, बहुत ही तेज लहरें हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ये एक ओरिजिनल स्टार फिश है, इस बीच पर बिक रही है समुद्री केकड़ा। और ये समुद्री केकड़ा, समुद्री केकड़ा, और ये स्टार फिश इस जगह पर। आप देख रहे हैं धनुषकोडी का स्टेशन, जो 1964 में डिस्ट्रॉय हो गया था सुनामी के कारण। ये है धनुषकोडी का स्टेशन, देखिए आज इसकी स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। तो ये रहा हमारा धनुषकोडी, जो कि आपके सामने है, धनुषकोडी स्टेशन।